दोस्तों, क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिकेट खेलने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए 20 से 35 साल की उम्र सबसे सटीक होती है। इस उम्र में अक्सर खिलाड़ी अपनी फॉर्म के चरम पर होते हैं और 35 के बाद सभी खिलाड़ियों की फॉर्म में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। अक्सर महान बल्लेबाज इस उम्र को पार करते ही संन्यास की घोषणा कर देते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी क्रिकेट इतिहास में ऐसे भी हुए जिन्होंने बहुत ज्यादा उम्र के बाद भी संन्यास नहीं लिया। वर्तमान समय में भी विश्व क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने करियर को जबरदस्ती लंबा खींच रहे हैं, जबकि उन्हें कई साल पहले ही संन्यास ले लेना चाहिए था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। क्रिस गेल। यूनिवर्सल बॉस के नाम से मशहूर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम कौन नहीं जानता। इन्हें छक्कों का बादशाह भी कहा जाता है। एक समय क्रिस गेल अपने समय के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन आज उनमें वह काबिलियत नहीं रही कि वह किसी भी टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल सकें। उनकी उम्र भी 42 साल हो चुकी है। हाल ही में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप में भी वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के साथ साथ क्रिस गेल का भी प्रदर्शन हद खराब रहा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्रिस गेल ने अभी तक भी संन्यास नहीं लिया है। सोएब मलिक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए साल 1999 में डेब्यू करने वाले सोएब मलिक को आज लगभग 22 साल का जमाना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की है। सोएब मलिक यूं तो अभी भी पाकिस्तान की टीम का अहम हिस्सा है, लेकिन उनके खेलने के लिए ये उम्र अब सही नहीं रही। अब मलिक को संन्यास लेकर नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, जो कि क्रिकेट की परंपरा है। लेकिन सोएब मलिक ने अभी तक भी संन्यास का ऐलान नहीं किया है और अभी कोई इरादा भी नहीं है। हालांकि मलिक ने वनडे और टेस्ट से तो पहले ही संन्यास ले लिया, लेकिन T20 क्रिकेट में वे आज भी पाकिस्तान की टीम का अहम हिस्सा हैं। हरभजन सिंह। दोस्तों, हरभजन सिंह ने भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2016 में खेला था, जिसे अब 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और उन्हें उसके बाद कोई भी मैच नहीं खिलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उन्होंने संन्यास का ऐलान नहीं किया। 41 वर्षीय हरभजन सिंह को अब चाहिए कि वे अपने संन्यास का ऐलान कर दें। हालांकि टीम में किसी भी युवा खिलाड़ी पर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे टीम का हिस्सा ही नहीं है और शायद आगे भी नहीं रहेंगे। मोहम्मद हफीज। सोएब मलिक की तरह ही पाकिस्तान के एक और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज की उम्र इस समय 41 साल से भी ज्यादा हो चुकी है और वे अभी भी टीम का हिस्सा हैं। हफीज ने साल 2003 में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था और अब लगभग 18 साल बाद भी वे टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया और न ही कोई योजना बनाई है। इसलिए अब हफीज को चाहिए कि वे संन्यास लेकर नए युवा खिलाड़ियों को मौका दें और खुद दूसरे रूप में टीम की सेवाएं करें। जेम्स एंडरसन। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि एंडरसन 39 साल की उम्र में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक बल्लेबाज के मुकाबले गेंदबाज की उम्र बहुत कम होती है और उम्र का फर्क जरूर पड़ता है। एंडरसन वनडे और T20 से तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वे अभी भी इंग्लैंड का हिस्सा हैं। इसीलिए अब जेम्स एंडरसन को चाहिए कि वे टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले और अपने पूर्वजों की परंपरा को बरकरार रखें, क्योंकि अंग्रेज अक्सर सही उम्र में ही संन्यास ले लेते हैं।